मैंने सब जिंदगी जिया, मैंने सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जी, मैंने सुकून वाली जिंदगी जी, जिसको आप गुमनामी वाली जिंदगी कह रही, वो असल में ज्यादा मजेदार होती है, क्योंकि आप अपने और अपने परिवार के साथ जी रहे होते हैं। हम बहुत सारा लड़का को देखते हैं, वो खाली परेशानी बताएगा कि आपको फलाना मेरा दोस्त है, उसके माता पिता सपोर्ट करते हैं, वो 8 घंटा पढ़ता है, हमको 4 घंटा ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना पड़ता है। बात कितनी सच्चाई है? नहीं 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 नहीं, इसमें लोगों की गलती नहीं, मैंने एक जगह लिख दिया था, लेकिन लिखा था लोगों ने गलत पढ़ लिया। रोज पौधा लगाएंगे, रोज घोंसला लगाएंगे, रोज कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जब से बीपीएससी के शिक्षक की बहाली आई, तब से इसको सिर्फ संडे के संडे करने लगे और बाकी दिन भर बैठ के पढ़ने लगे। सुशील कुमार नाम ही काफी है, 12 साल पहले जो नाम, जो शोहरत बिहार के मोतिहारी के रहने वाले सुशील कुमार ने हासिल की थी, उसकी वजह से आज वो हमारे बीच है। केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले पहले शख्स हैं, 12 साल से कई तरह के सामाजिक कामों में लगे हुए हैं, पर आज वो जिस वजह से हैं हमारे बीच, वो उनका इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान है। सुशील कुमार को बीपीएससी टीचर की परीक्षा में सफलता हासिल हुई है, एक नहीं बल्कि 2 सरकारी नौकरी अब सुशील कुमार के पास है, तो सफलता का राज बताने के लिए सुशील जी खुद हमारे साथ हैं। स्वागत है सुशील जी आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या बोले आपको बिहार के शिक्षक या केबीसी वाले करोड़पति शिक्षक? नहीं, शिक्षक ही बोलिए, शिक्षक ज्यादा अच्छा लगता है। जी, तो कैसे शुरू हुई ये जर्नी आपके पास अब 2-2 सरकारी नौकरी है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कौन सी नौकरी अब आप चूज करेंगे और कैसे आपने तैयारी की, क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरू से ही केबीसी से पहले ही कंपटीशन की तैयारी करते थे, और जिस समय केबीसी में हुआ था उस समय बीपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे थे, प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिए थे, और उसके थोड़ा दिन पहले यूपीएससी द्वारा आयोजित सीपीएफ की परीक्षा होती है, सेंट्रल पुलिस फोर्स, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनाए जाते हैं, उसकी परीक्षा भी पास किए थे, इंटरव्यू तक गए थे, तो तैयारी का लेवल बहुत अच्छा था। फिर इसी कारण केबीसी विनर थे, केबीसी के लिए मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी, और उसके बाद फिर केबीसी विनर होने के बाद पढ़ाई से रिश्ता थोड़ा दूर कम गया था, और धीरे धीरे लेकिन एक लाइब्रेरी है जिसमें हम अक्सर पढ़ा करते हैं, तो पढ़ाई से रिश्ता रहा, लेकिन साहित्य से रहा, संगीत से रहा, जैसे सितार वादक भी हैं, हम सितार बजाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चंपा से चंपारण अभियान में 1 लाख के करीब पौधे लगे, और गौरैया संरक्षण पे भी काम किया, उसके अलावा चमकी बुखार पे भी काम किया, एजुकेशन पे भी काम कर रहे थे, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने शहर में काफी अच्छे अच्छे काम करने का सौभाग्य मिला मुझे, और लेकिन साथ में पढ़ाई भी साथ चलती रही, बीएड भी मैंने किया, उसके अलावा भी पीएचडी कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी चल रहा था, सामाजिक काम भी चल रहा था। इसी बीच बिहार सरकार का जो बहुप्रतीक्षित जो नौकरी का बीपीएससी का टीचर का था, वो बहाली आ गई, जिसकी मैंने परीक्षा तैयारी की और रिजल्ट आया, 2 में रिजल्ट आया, छठा से अठवा में 1692 रैंक आया है, और मनोविज्ञान 11वां 12वां में 119वां रैंक आया है, तो ये जो है उसी तैयारी का हिस्सा है, और अभी जो 7 महीना से जो हम तैयारी में लगे हुए थे, ये इसका परिणाम है, साथ ही जो पहले तैयारी किए हुए थे वो और जो अभी तैयारी किए, दोनों मिल गया और मिल के रिजल्ट आ गया, और मेहनत और ईश्वर की कृपा, हम दोनों मानते हैं, हम आस्तिक किस्म के आदमी हैं, तो अपनी सफलता का ज्यादातर श्रेय हम ईश्वर को देते हैं और थोड़ा सा अपनी मेहनत को भी देते हैं। जी, केबीसी पे लौटते हैं, केबीसी में 5 करोड़ जीतने पर आपकी जिंदगी बदल गई, अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा तब से लेकर अब तक का सफर। जैसे वीडियो गेम में एक स्टेज ऊपर चला जाता है आदमी ना, तो जिंदगी के वीडियो गेम में केबीसी ने हमको 4-5 स्टेज ऊपर भेज दिया, और वैसा स्टेज जहां पे फाइट करना था और बिना ट्रेनिंग के, तो बहुत घुसे पड़े जो वीडियो गेम में होता है, लेकिन वक्त का घुसा होता है, समय का और अनुभवहीनता का जो होता है, लेकिन धीरे 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 मैंने चीजों के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लिया, और फिर उसी पे जैसे मैंने बताया कि वहां रह के सामाजिक काम, कुछ कमी कुछ बेसी, कुछ उतार कुछ चढ़ाव जीवन में सबके आता है, मेरे भी आया, अगर कोई ये कहे कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो ये संभव ही नहीं है, जो इस दुनिया में आया है उसके जीवन में तकलीफ आएगी, खुशी भी आएगी, सब आएगा, आना ही है उसमें, आएगा, फ्यूचर टेंस जैसा कुछ नहीं, आएगा ही, मतलब एकदम निश्चिंत है, एकदम है ही, तो वही बात है तो मेरे जीवन में भी आया,
और आदमी हंसते खेलते उससे उबर गया और अभी शिक्षक की नौकरी अब करने जा रहे हैं। जी सुशील जी, खबरें कई आई थी ऐसी कि आपको इतने पैसे मिले, आप कई तरह के एडिक्शन के शिकार हो गए थे, मतलब सिगरेट शराब की लत लग गई थी, पर बाद में ये जानकारी मिले कि कंगाल कहे जाने वाले सुशील अब माला माल है। ऐसी खबरें में, ऐसी जो खबरें आई थी उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं ये पहले तो मैं बताऊं, कंगाल में कभी हुआ नहीं, क्योंकि अगर जिसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे वो कोई काम करेगा ना, कोई काम करेगा, कोई भी काम करेगा। और मेरा मानना है कि पैसा खत्म हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर खत्म हो गया तो क्या हो गया, फिर हम मेहनत करेंगे, फिर हम बनाएंगे क्या। लेकिन मैं कंगाल नहीं हुआ था, लेकिन अगर कोई कंगाल भी हो जाता है तो फिर अगर वो संघर्ष करता है अपने जीवन जीने के लिए और थोड़ा बहुत भी कमा के अच्छा कर रहा है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जीना महत्वपूर्ण होता है और इसलिए और संघर्ष करना महत्वपूर्ण होता है। जब हम धरती पे आए हैं तो संघर्ष हमारे किस्मत में लिखा गया है, जो भी धरती पे मनुष्य ने जन्म लिया। नहीं 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 नहीं, इसमें लोगों की गलती नहीं, मैंने एक जगह लिख दिया था लेकिन लिखा था लोगों ने गलत पढ़ लिया, एडिक्शन वाली बात नहीं थी। मैंने लिखा था कि दोस्तों के संग में कभी कभी सिगरेट शराब पी लेते थे, लेकिन हम ही लिखने में गलती कर गए थे जिसका लोगों ने गलत अर्थ निकाला, लोगों से शिकायत नहीं है मेरी। जी जी, इन 12 साल में आप सामाजिक कार्य से जुड़े रहे, कब लगा कि बीपीएससी की तैयारी कर अब शिक्षक बनना है? ध्यान में तो हमेशा से था कि जब आएगा तब भरेंगे फॉर्म और खूब तैयारी करके रिजल्ट लाएंगे, ये तो दिमाग में था और इस साल आया है तो खूब मेहनत की अपने अनुसार और पहले से चूंकि तैयारी का रहा है, कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस रहा है और पिछले 7-8 महीने से सारे सामाजिक काम बंद करके साप्ताहिक रूप से कर दिए। पहले दैनिक करते थे, मतलब रोज पौधा लगाएंगे, रोज घोंसला लगाएंगे, रोज कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जब से बीपीएससी के शिक्षक की बहाली आई तब से इसको सिर्फ संडे के संडे करने लगे और बाकी दिन भर बैठ के पढ़ने लगे, तो उसी का परिणाम निकला है और हम बहुत खुश हैं, हमारे परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं। तैयारी करते थे आप? पहले रेलवे की तैयारी करते थे, बीपीएससी मैंने बताया कि मेंस 2 बार प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं, यूपीएससी के सीपीएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट बनाते हैं उसके इंटरव्यू तक गए हैं, स्टेशन मास्टर रेलवे का परीक्षा पास किए हैं, साइको टेस्ट तक गए हैं, मतलब वैरायटी थी, स्पेशल कोई नहीं था। रेलवे की भी तैयारी हो गई, सेंट्रल पुलिस फोर्स की भी तैयारी हो गई, बिहार लोक सेवा आयोग की भी तैयारी हो गई, तो ये सब चीजों का मिला जुला तैयारी था, स्पेशल तैयारी नहीं था। कोई एक आम बिहारी जो तैयारी करता है ना उसको जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे हम। जी, केबीसी में 5 करोड़ जीते, तब आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज, कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी मिले, फिर गुमनामी वाली जिंदगी, ऐसा क्यों? कभी किसी अच्छे जगह से ऑफर आया या नहीं इस बीच? नहीं, आप जिसको गुमनामी वाली जिंदगी कहते हैं वो बहुत मजेदार जिंदगी होती है, अच्छा है अगर सुकून से जो जिंदगी जी जाती है ना वही बड़ी जिंदगी होती है, क्योंकि मैंने सब जिंदगी जिया, मैंने सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जी और मैंने सुकून वाली जिंदगी जी, जिसको आप गुमनामी वाली जिंदगी कह रही वो असल में ज्यादा मजेदार होती है, क्योंकि आप अपने और अपने परिवार के साथ जी रहे होते हैं। हाँ, एक बात तो है कि हर आदमी चाहता है उसका नाम हो, शोहरत हो, लोग जाने, ये एक पक्ष होता है, लेकिन उसके पीछे एक पक्ष होता है जो बड़ा खूबसूरत होता है, जिसमें आप होते हैं, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे होते हैं, आपके कुछ खास दोस्त होते हैं, तो वो जो होता है जीवन वो बहुत मजेदार जीवन होता है। और मैंने दोनों का लुत्फ उठाया है और ये भी उतना ही अच्छा है और ये भी उतना ही अच्छा है, कोई कम नहीं है। हाँ, ये होता है कि हर आदमी का इच्छा होता है कि नाम हो, शोहरत हो, दौलत हो, लोग आगे पीछे घूमें, लेकिन एक समय के बाद लोग इरिटेट होने लगते हैं इसको, लेकिन जब आदत हो जाती है तो वो जब वो छूटता है तो लोगों को बेचैनी होने लगती है कि यार वो भी कम अच्छा नहीं था, तो जिंदगी ऐसे ही गिरते पड़ते सबकी चली जाती है, हमारी भी चली जाएगी। जी, कोई ऑफर आया था इस बीच या नहीं पॉलिटिकल पार्टी से या कोई और कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए? नहीं नहीं, मैंने प्रयास ही नहीं किया, हमको सामाजिक काम में अच्छा लगने लगा था और हम प्लान कर रहे थे कि एनजीओ बनाएंगे और अच्छे बड़े लेवल पे करेंगे, लेकिन एनजीओ हम नहीं बना रहे थे कि दोस्त लोग कहता था कि एनजीओ को लेकर थोड़ा सा सोसाइटी में नेगेटिविटी है, जो विश्वास हमारे ऊपर है सामाजिक कार्यों में, जैसे गौरैया संरक्षण पे काम करते हैं या वृक्षारोपण पे, तो ये अपने पॉकेट से ही करते हैं और कुछ दोस्त हैं जिनसे हम सहयोग भी लेते हैं, तो ये बहुत रिलैक्स वाला है, बिना हिसाब किताब कुछ दिए, अपने जैसे 5,000-10,000 रुपए अपने पॉकेट से लगा के कुछ खरीद लिए, घोंसला 200 बनवा लिए, महीने में 200 घोंसला
कहीं कहीं प्लांट कर दिए, इसी तरह पौधा कुछ खरीद लिए दोस्तों के घर जिनके पास स्पेस है, जाके रिक्वेस्ट करके लगा दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए, तो ये बड़ा रिलैक्स वाला था। और प्रयास हम नहीं किए, हमको इसी में मजा आने लगा था, जो जहाँ रहता है उसी में आनंद उठाने लगता है, जीवन का इसकी बड़ी विशेषता है ये। आपको बीपीएससी टीचर में नौकरी मिली है, आपको अब लग रहा है कि बिहार सरकार नौकरी के मामले में बेहतर प्रयास कर रही है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ईमानदार प्रयास है। देखिए नौकरी हर तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, जैसे किसी मजदूर के लिए क्या चाहिए, एक फैक्ट्री की जरूरत होती है, पढ़े लिखे लोग के लिए क्या चाहिए, सरकारी नौकरी की जरूरत होती है, उससे बड़े जो लोग होते हैं वो प्रशासन में जाते हैं, कुछ स्पेस होता है जो चाहते हैं युवा पॉलिटिक्स में जाए, और सबको जब मौका मिलता रहता है तो जिंदगी बड़ी अच्छी जाती है, वो स्टेट काफी तरक्की करता है। तो बिहार के ज्यादातर लोग जो है नौकरी बड़ा प्रिय होता है, सरकारी नौकरी बिहार में इसका बड़ा क्रेज है, और इसलिए सरकार अगर ये कर रही है तो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक खास वर्ग होता है, एक पूरा परिवार जिसपे टिका रहता है, जब बच्चा पढ़ता है हमारे यहाँ तो अभिभावक सोचते हैं कि अच्छा पढ़ रहा है, लग रहा है इसको सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो इस भावना से तो अगर लाखों नौकरी बिहार सरकार दे रही है तो निश्चित ही काबिले तारीफ काम है, और इससे प्रेरणा लेकर अन्य राज्यों को भी काम करना चाहिए, मेरा ये कहना है। सुशील जी, आप बिहार के बच्चों को स्कूल में अब मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, कैसे डेवलप किया आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट? जब हम प्लस टू में पढ़ते थे तो हमारा तीन विषय था, एक विषय था हिस्ट्री, दूसरा इकोनॉमिक्स और तीसरा साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी के सर थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो सर अच्छा पढ़ाते थे तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, नंबर भी अच्छा आ गया, तो मेरा ऑनर्स हो गया ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी, फिर मास्टर डिग्री में भी साइकोलॉजी ही हो गया, तो इसीलिए बीएड करने के बाद साइकोलॉजी में ही जा रहे हैं। जी, हॉबीज क्या हैं सुशील जी आपकी, क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लाइब्रेरी के बारे में भी लोगों ने काफी सुना है, उसके बारे में भी जरा बताइए, और क्या क्या और आपको पसंद है करना? सितार बजाते हैं, सितार प्लेयर हैं और स्टेज परफॉर्मर भी हैं, सितार में सितार बजाते हैं, और वृक्षारोपण करते हैं, कविता लिखते हैं, मेरी कविता संग्रह भी आने वाली है, और ऐसे ही कुछ चीजें, और यही सब, कविता लिखना और सितार बजाना, और सितार में स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, और कभी कभी काव्य गोष्ठियों में अपनी कविता भी पढ़ लेते हैं। जी, आपने कहा कविता सुनाते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी एक कविता सुना दीजिए आप। अच्छा बस दो, हम तो बहुत कविता लिखे लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, उदास मन कविता है, दो लाइन उसमें सुनाते हैं कि अक्सर अक्सर उदास मन लिखता है कविता, देता ये खुद को राहत, अक्सर उदास मन समझाता बड़े प्यार से वो सारी बातें जो हम समझना नहीं चाहते, ऐसे करके लंबा है, अभी एक थोड़ा सा दिमाग ना, अभी बात कर रहे हैं ना तो हमको पहले बताती तो हम तो अपने पास ही रख लेते हैं, ऐसे ही बहुत सारी कविताएं हैं। हाँ। और एक है खाली कुर्सियों पे भी मैंने लिखा है कि जिसका भावार्थ है कि कुर्सियां भी आपस में बतियाती होंगी, बैठने वाले के बारे में, बैठने के तरीकों के बारे में, वो किस विषय में बात करते हैं, फिर वो कौन व्यक्ति कैसे कुर्सी को नीचे पटकता है, कैसे आके धप से बैठता है, पूरी दो कुर्सी आपस में बतिया रही हैं, उस पर भी मैंने लिखा है जो कि काफी चर्चित है। और ये उदास मन कविता जो है एक रिसर्च हिस्ट्री में, एक हिंदी में रिसर्च हुआ है जिसमें ये कविता उस उनके रिसर्च शोध ग्रंथ में शामिल है, विनय कुमार सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सिंह के शोध ग्रंथ में ये कविता शामिल है। हरसिंगार का पौधा कविता भी एक रिसर्च कौस्तुभ जी हैं जो वहीं प्रेस में काम करते हैं, उनकी किताब में भी हमारे हरसिंगार का पौधा, जिसमें बेटी और हरसिंगार के पौधे की मैंने तुलना की है, वो छपा है, मतलब रिसर्च बुक में भी दो तीन कविताएं मेरी छपी हैं। बस ऐसे ही जीवन चल रहा है, ये साधारण जीवन है लेकिन इसका मैं आनंद लेता हूँ, और हम चाहते हैं ऐसे ही जीवन कटे, ये ज्यादा मजेदार होता है, आप लोगों को देखते हैं ज्यादा लोग आपको नहीं देखते हैं, जब आपको ज्यादा लोग देखता है तो बनावटी होने लगते हैं, लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं नीचे से ऊपर तो फिर आप सीखते हैं, लेकिन अब ऊपर से नीचे देखते हैं तो कोई नहीं दिखाई देता है, और फिर आपका व्यवहार एकदम से बनावटी हो जाता है, और बनावटी होने का सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हमेशा सजग रहना पड़ता है, क्योंकि कल क्या बोले, आज क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, उसमें अंतर होता है तो लोग पकड़ने लगते हैं, इसीलिए हम साधारण लाइफ ही जीना चाहते हैं और हम खुश हैं। और आपने बात की कुर्सियों के बतियाने की, तो इसके बाद आप बताइए कि केवीसी में जब आप उस कुर्सी पर बैठे, उस हॉट सीट पर बैठे, उस वक्त का एक्सपीरियंस कैसा था, पहली बार अमिताभ बच्चन आपके सामने थे,
उस वक्त का एक्सपीरियंस लग रहा था सपना, शुरुआत में तो लगा सपना देख रहे हैं, इतना ज्यादा लाइट था, इतना ज्यादा लाइट था, सामने अमिताभ बच्चन और चारों तरफ एक अजीब किस्म की भुनभुनाहट रहती थी, हमको तो लगा था हम सपना देख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ समय तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर बाद में पानी वानी दो चार गिलास पिए तब जाके लगा कि अच्छा सपना नहीं है ये हकीकत है, तब जाके धीरे धीरे रिलैक्स हुए। जी आपका वो पानी डालते हुए वाला वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, उसके बारे में भी जरा बताइए, जब 5 करोड़ ऐसे अनाउंस हुआ कि 5 करोड़ आप जीत चुके हैं, आपका जवाब जो था वो सही हो चुका था, तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ? आप जब गए थे तो आपको लगा था कि आप इतनी बड़ी रकम जीत के वहां से आएंगे? बिल्कुल नहीं लगा था, हम तो 25 लाख रुपए जीतने गए थे, हम कसम से कहते हैं। क्या क्या सपना लेके गए थे केबीसी, क्या सपना लेके गए थे? 25 लाख रुपए जीतने का सपना लेके गए थे। क्या क्या प्लान था आपका 25 लाख का? 25 लाख में घर वर टूटा हुआ था, उसको बनवा लेना था, बस इतना ही काम करना था, कुछ रख लेना था, कंपटीशन थोड़ा सीरियसली तैयारी करना था, ये सोचकर कि अकाउंट में कुछ पैसा है और दम लगा के तैयारी करेंगे, जनरल कंपटीशन में कोई अच्छी नौकरी लेंगे, बस इतना ही सपना था। जी फिर इतनी बड़ी रकम आई तो फिर कैसे आप उसको हैंडल किए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। 5 करोड़ जीते ना तो हम सोच रहे थे अरे यार ये क्या हो गया यार, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। क्योंकि हम जीवन में उससे पहले 1 लाख रुपए नहीं देखे थे साथ में जी। और एक 5 करोड़ तो हम तो जीरो गिनते रह गए थे यार, ये होता क्या है। और उसके बाद मीडिया, उसके बाद इतना ज्यादा आने लगा चारों तरफ से, हम खाली मतलब हमको समझ में नहीं आता यार हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, 10-15 दिन तो हमको समझ में नहीं आया। और उसके बाद जनरल नॉलेज पूछने लगा लोग बैठ के कि इसका बताइए इसका बताइए, शकल सूरत ऐसी थी कि लोगों को लगता होगा कि कैसे जीत गए ये आदमी। तो जब बैठा के लाइव में पूछने लगा लोग, तब जब बताने लगे तब लोगों को लगा नहीं नहीं जो दिखता है उतना भी नहीं है उस तरह का जैसे दिखता है। कैसे तैयारी कैसे करनी होती है जो केबीसी में जाने के लिए, और कैसे प्रोसेस क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को वो बता दीजिए। देखिए सोनी लिप ऐप आता है तो उसपे केबीसी जब का लाइन खुलता है ना, वो लाइन खुलता है अप्रैल में, तो अप्रैल में उसपे क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर डालना होता है, तो आंसर डालने के बाद केबीसी शॉर्टलिस्टेड करती है, फिर कॉल करती है, कॉल करके 3 गो सवाल करती है, जो तीनों का जवाब देता है उसको ऑडिशन के लिए बुलाती है, ऑडिशन में 20 सवाल करती है और कुछ पर्सनालिटी टेस्ट लेती है, उसके बाद उन वीडियो का वो लोग अपना देखता है, उसमें से चुन चुन के लोगों को बुलाता है, यही प्रोसेस है जी। अब आप एक बार जो 5 करोड़ कमाने का और प्लस एक बिहार के युवाओं के लिए जैसे सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात है, तो उसको हासिल करने का सीक्रेट मंत्र एक बार लास्ट में बता दीजिए, उसके बाद हम ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। ठीक ठीक कंटिन्यूटी किसी काम को लगातार कीजिए। एक और बात है, हम बहुत सारा लड़का को देखते हैं वो खाली परेशानी बताएगा कि आपको फलाना मेरा दोस्त है उसके माता पिता सपोर्ट करते हैं, वो 8 घंटा पढ़ता है, हमको 4 घंटा ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना पड़ता है, हमारे पास माता पिता नहीं समझते हैं, कभी सब्जी लाने भेज देंगे, कभी ये करते हैं वो करते हैं, कभी दुकान पे बैठा देते हैं। हम ये कहते हैं कि जिंदगी में सबकी अपनी समस्याएं होती है और हमेशा कमी नहीं देखना चाहिए, आपके पास जो है उस उन अच्छाइयों को देखिए और लगातार जो कंटिन्यूटी होता है ना, लगातार आप लगातार, अब जैसे बताइए पहाड़ तोड़ सकता है लोग, दशरथ माझी पहाड़ तोड़ दिए कि नहीं, लगातार है ना 22 साल लगे रहे, अगर कोई कहता उनसे कि 22 साल तक तपस्या करना है तो शायद नहीं करते, लेकिन वो सोचे ही नहीं, बस पहाड़ तोड़ते थे। तो जो असफल हो उसको दशरथ माझी को याद कर लेना चाहिए कि जब वो 22 साल में पहाड़ तोड़ सकता है तो हम लोग क्या 2-4 साल लगातार मेहनत नहीं कर सकते, यही सोच के और अपनी कमियों को मत देखिए, बस अपनी जो अच्छाई है दूसरे का तुलना मत कीजिए। दो बातें, दूसरे की तुलना अपने से मत कीजिए, सबका अपना अपना दुनिया होता है, सबकी अपनी परेशानियां होती है, सबकी अपनी अच्छाई, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों की अच्छाई और अपनी कमियां देखते हैं। और दूसरी आप कंटिन्यू लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिएगा, सफलता एकदम आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया सुशील जी, आपने हमें वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे आपने 5 करोड़ हासिल किए, उसके बाद बीपीएससी टीचर में भी आपने क्वालिफाई किया, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमको भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केबीसी विनर
सुशील कुमार जी, जो बीपीएससी टीचर की परीक्षा में सफलता हासिल किए, एक नहीं बल्कि दो सरकारी नौकरी अब सुशील कुमार के पास है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।